हरि ओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर हिंदी में चैप्टर 4 में हमने प्रश्न 2 और 3 लिखा। अब हम आए प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 है कि आपको अपने हिसाब से लिखना क्या है पता है? देखो प्रश्न 4, अपनी सखी अपने दोस्त का परिचय लिखी, समझ में आएगा कि मेरे दोस्त का नाम सोहम है, है? लिखो। प्रश्न 4, सखी होता है तो मेरा दोस्त, बराबर। चलो आपको नोटबुक में लिखना है तो लिखना थोड़ा जल्दी करो, यहाँ आते हो तो बैठने के लिए तो नहीं आते ना, बैठने के लिए आते हो तो वो नोट में लिखो, वो तो मैं बोली, कान खुले रखो। अभी मेरी माता का नाम है जमीनी, डबल लिटिल में, छोटी लिटिल में लिखनी है। चलो या मेरी सहेली का नाम, मेरे दोस्त का नाम राम है, राम चौथी कक्षा में पढ़ता है। बातें कम हो जाए तो लिखना स्टार्ट करना हो बेटा, अभी मत लिखना। मैम जब ऐसे घूमे तो तुझे लगे कि बातें हो गई है तो लिखना स्टार्ट कर, वरना बैठा रहे। फिर राम को पढ़ना, खेलना, गाना सुनना अच्छा लगता है। राम मेरे, या राम मेरी सोसाइटी में ही रहता है। राम कभी कभी मुझे कभी कभी मुझे पढ़ने में हेल्प करता है, पर राम पढ़ने में तेज लड़का है वो लिख सकते। तीनों बाहर जा, तेरी जगह कहाँ पर है भाई? जो दो बैठे हैं वो एक बेंच पाचा जा, तो दिखा है जो चतुर जा, तो इधर बैठ जा।
इधर आ जा। एक बेंच आ गया है ना बातें करने के लिए। तुझे लिखना नहीं है भाई? है? बैठा रहा है तू? मैं बोल तो रही हूँ लिख। पर लिख तो सही किसी ने बैठने के लिए आया है। चल भाई इधर आ जा। हाँ, योग्यता विस्तार। पिता का पिता, पिता के पिता, क्या बोलते हैं उसको? दादा। हाँ, क्या बोलते हैं? दादा। तो ये खाली जगह में आएगा, वन वर्ड आंसर में आएगा, तो ये आपको भी तैयार करना। तो लिखेंगे कौन? पिता के पिता खाली जगह में आएगा, वन वर्ड आंसर कुछ भी आएगा। पिता की माता दादी। पिता के छोटे भाई कौन है ये? पिता की कौन? माता के पिता। क्या बोलते हैं हम माता के पिता को? मम्मी। मम्मी के पिता नाना। माता की माता नानी। माता का भाई मामा। आओ, माता की बहन को क्या बोलते हैं? मासी। मासी। तो यहाँ मौसी। मासी नहीं, हिंदी में मौसी। चलो, यहाँ हमारा चैप्टर 4 खत्म। पुनरावर्तन है, तो पुनरावर्तन में दी गई शब्द को लिखना है शब्द में। तो वो एक से बी से आएगा, कीजिए है। फिर वर्णों को पढ़िए और लिखिए, चित्र को देखकर शब्द लिखिए, ये भी इजी है। उपरोक्त चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाइए। चलो जल्दी लिखो। तो कौन लिखेगा?
अच्छा 5 मिनट ही है भाई, मैं यहाँ 5 मिनट खड़ी हूँ, इसका मतलब देखने आ रही हूँ, तो आप बातें मत करो। હા બસ બેન્ચ ને આમ તે ને બધામાં રો, એટલે આપણું રહી જાય, સબકા હોના હી ચાહીએ, એકા નહીં। તો ચલો અબ આગે, ના તો જલ્દી લિખના હૈ બેટા, तू थोड़ी आराम से लिखेगा तब तक हम बैठेंगे, लिखना तो थोड़ी जल्दी है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए जल्दी नहीं लिख पाते। प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी लिख पाते। चलो पुनरावर्तन है, वो पुनरावर्तन हमें किसमें लिखना है, वो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें, पर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो किसमें लिखेंगे, और घर पे जाकर नोटबुक में कंपलसरी सबको लिखना। भाई ये मैंने जो लिखवा है वो टेक्स्ट बुक में है, मैं जो लिख पा रही हूँ वो टेक्स्ट बुक में है ही, तो टेक्स्ट बुक में लिखते हो तो घर जाकर नोटबुक में दो बार लिखना, तभी याद रहेगा। या मैं बोल रही हूँ ना, हाँ हाँ करते हो, घर पे लिखते नहीं हो, तो क्या होता है पता है, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और जल्दी लिख नहीं। चलो पुनरावर्तन यानी रिवीजन, पुनरावर्तन यानी रिवीजन। प्रश्न ए, सप्ताह में लिखो, ये होमवर्क में करना है, आएगा कोई यहां बोल रहा है, लिखना है तो वो अपने आप लिखना है। कप ऑफ
नाम लिखो। चलो मैं ड्रॉइंग करूंगी और पिक्चर। सबसे पहले है तोता, दूसरा है कौन है, खरगोश, कबूतर, कौवा है, फूलगोभी, किसकोली लिखू या गिलहरी? चलो प्रश्न चार,
तो लिखना है, थोड़ी मैं राह दे दूंगी बेटा। प्रश्न चार, वर्णों का करिए, पुनरावर्तन एक ही आपको अहम हरिओम।